नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फाइका जावेद। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। हर बार नए गेस्ट आते हैं, इनसे बातचीत होती है, इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल खोलने का एक ही मकसद है। जैसे कि यास्मीन भी इंडिया के लिए काम करती है और हम भी अपने भारत के लिए काम करते हैं, अपनी भारत के डेवलपमेंट्स को दिखाते हैं राधर देन फोकसिंग ऑन एनी अदर नेशन। सो आज हमारे साथ हमारे ही भारत से एक भारत की बेटी जुड़ चुकी है, यास्मीन हफीज, जिनका एक अपना यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है भारत के लिए। भारत के जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है और प्राउड इंडियन है, जैसे कि सब लोग होते हैं, जैसे कि सब लोग भारतीय होते हैं, वैसे हम लोग भी सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए काम करते हैं, अपने नेशन के लिए काम करते हैं। एज फॉर इंडियंस नेशन कम्स फर्स्ट। सो आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी यास्मीन, कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। और हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा उनको मैं क्या कहूँ, इतना प्रोत्साहित करते हैं ना कि जैसे कि आज रक्षाबंधन है, मुझे नहीं पता आपकी वीडियो कब तक पब्लिश होगी, तो मैं अपने वीडियो पे भी थोड़ी देर पहले लाइव जुड़ी थी, तो मैं सबको विश कर रही थी। तो जो लोग मुझे नहीं भी जानते हैं, तो वो भी उनके लिए भी यही है कि आप सब लोग हमेशा सुरक्षित रहें। रक्षाबंधन आपको ढेर सारी उसकी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। सभी बहनों के भाई और सभी भाइयों की बहनें हमेशा सलामत रहें। तो बहुत शुक्रिया फाइका, आपने आमीन। बुलाया और इतने खूबसूरत दिन पे बुलाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यास्मीन के आपने ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, G20 का मुद्दा है, प्रेसिडेंसी इंडिया ने होल्ड की है, और आज का सितंबर का जो सेशन है वो जो है समिट जो है दिल्ली में होने वाला है, आप क्या राय रखती है? चूंकि अब इंडिया का जो है ये इस ईयर की प्रेसिडेंसी थी, तो आगे आप इंडिया का फ्यूचर कैसा देख रही है? क्या लगता है आपको G20 के इस समिट से जो लगातार कश्मीर में भी हुए, बहुत सारी जगहों पे हुए और दिल्ली में भी होने वाला है, क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले हमारे फ्यूचर इंडिया पे? हाँ, ये एक हर एक भारतीय के लिए ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे पूछ भी रहे हैं ना कि इससे क्या फायदा होगा, G20 का इतना समिट हो रहा है, इतनी सारी मीटिंग पूरे देश में हुई है, तो इससे क्या फायदा है। एक्चुअली देखो, कश्मीर की ही आपने बात की, तो वहाँ टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग हुई थी और जो एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था, नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश जो की गई थी कि कश्मीर में तो G20 की मीटिंग किसी भी हद नहीं होने देंगे, और ये हम पड़ोसी मुल्क का देख रहे थे, उनका लगातार था, और इस तरह की बहुत सारी चीजें चाइना ने उसको अपोज भी किया और कहा कि वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वहां क्यों G20 मीटिंग हो रही है, ये वो, उसके बावजूद भी वहां हुई। और वही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग हुई है, पूरे देश में मीटिंग हुई है, और बहुत अच्छी तरह से भारत ने उन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छे से कंडक्ट किया गया है, विदेशी डेलीगेट्स आए हैं यहाँ पर, और इस मीटिंग से एक कितना अच्छा ये मैसेज गया है। जब कश्मीर में आप सोचो, एक जगह जहां पर हमेशा ही उसकी पहचान ऐसी रही हो कि खून खराबा, पत्थरबाजी, हड़तालें, जंग, पाकिस्तान ने एक उसका इमेज और लगातार कोशिशें जो जारी रखी हैं वो यही कि कोई अच्छी इमेज ना जाए, और कश्मीर के जरिए पूरे भारत को एक उस तरह से दिखाना है कि भारत जो है वो क्या कर रहा है अपने लोगों के साथ, बड़ा बुरा इमेज। लेकिन G20 की जब वहां पर टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग होती है, तो वहां पर जब फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, तो मैसेज तो वहीं से चला गया था पूरी दुनिया को कि यहाँ आई है, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब किसी कंट्री में एक इतना बड़ा, आप जानती हैं G20 में दुनिया की बहुत बड़ी कंट्रीज हैं इसमें शामिल, G20 पूरी टॉप 20 5 GDP, कंट्रीज जी का, एग्जैक्टली। और टॉप इसमें अगर मैं बात इंडिया भी करूँ, तो लगभग जो GDP पूरा दुनिया का GDP जो कवर करता है, 80% GDP, 75% ट्रेड 85% कवर करता है ये, और लगभग 60% से ज्यादा ही वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। तो अब इसे अगर हम इसको कैलकुलेटिवली एग्जैक्टली देखें, तो एग्जैक्टली आप ये सोचें कि G20 तो एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है G20 का भारत में, और जिसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास है और उसने बखूबी उसको पूरा किया है। अभी इसकी फाइनल मीटिंग जो है वो दिल्ली में हो रही है, और उसको लेकर सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं, और इससे बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि कश्मीर में जब हुआ, आप देखिए जिस जगह की भी एक पॉजिटिव इमेज जाती है, वहां के लोगों से जब वो इंटरेक्शन होता है बाहर के लोगों का, जब वहां के जो लोकल लोग हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो ना कि अपने देशवासियों के द्वारा बल्कि किसी दूसरे देश के व्यक्ति के द्वारा जब उसके उसका प्रचार प्रसार होता है, एग्जैक्ट रिपोर्ट वो आती है निकलकर। अभी हम पाकिस्तान में बहुत सारा प्रोपेगेंडा देखते हैं भारत के खिलाफ, और ये लोग बोलते हैं हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को तहफूज है, हम जाके नहीं देख रहे हैं वहां पर, और जो वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल बहुत खौफनाक होती हैं। अगर
ये लोग जिस दिन इस तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दे ना, फाई का G20 जैसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दे, उस दिन समझिएगा आपके पाकिस्तान में कुछ हुआ है, अदरवाइज दूर दूर तक कोई इमकान नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा हुआ बिल्कुल, ये है। तो वैसे तो जी टॉप ट्वेंटी में 50 इकोनॉमीज बहुत में भी नहीं इन्वेस्टमेंट आते हैं, आई। तो ये कैसे G20 में हाँ लिया ये जी। इनका तो ये तो कचकॉल के ऊपर डिपेंड है, पूरा पाकिस्तान आप देखो कचकॉल लेके हर जगह जाते हैं, फोन उठाने से जो लीडर्स हैं फोन उठाने से कतराते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का। तो ये अपने आप में एक बहुत अफसोसजनक बात होनी चाहिए खुद पाकिस्तानियों के लिए कि अगर उनके लीडर्स के फोन नहीं उठाए जा रहे हैं। तो ये तो चीजें हैं। और जहां तक बात रही कि इससे क्या फायदा होगा, तो मैंने जैसे कि बताया कि बहुत वास्ट एरिया कवर कर रहा है G20, चाहे वो पॉपुलेशन के लिहाज से, GDP के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट आ रहा है भारत में, और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के पास एक अपने आप को पूरी दुनिया में स्थापित करने की एज अ लीडर। क्योंकि आप देखो G20 में लोगों का एजेंडा क्या है, अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज की भी बात करूं जिसमें USA, रशिया, चाइना आते हैं, तो ये लोग अपने आप को जिस तरह से लेके चलते हैं कि सुपर पावर, USA का अपना है वो सुपर पावर, रशिया का अपना, चाइना का अपना, भारत को एक तरह से हकीर बनाकर कि भारत क्या, अरे भारत को क्या है, भारत को तो हम इसमें प्रोपोगंडा में रहेंगे, जो कि अभी लगातार कोशिशें जारी हैं, भारत के खिलाफ खूब प्रोपोगंडा हो रहा है दुनिया में, लेकिन भारत वो बिल्कुल मजबूत देश है ना बिल्कुल कि हमारे पास जो ये लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी आई है, तो यहाँ पर अपने आप को एज अ वर्ल्ड लीडर स्थापित कर रहे हैं, किसी गलत सेंस में नहीं। USA का क्या एजेंडा है इस पूरी मीटिंग के दौरान, और अभी भी देखेंगे हम फाइनल मीटिंग में क्या होता है, लेकिन आपने लगातार देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, तो वहां कैसे हम रशिया को पीछे धकेलें, कैसे हम रशिया को पॉइंट आउट करें, वो USA का एजेंडा। चाइना का आप देखिए वो अपना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको वो हर तरह से वो अपनी करतूतें लगा रहा है कि किस तरह से मैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इसको प्रमोट करता रहूं, दुनिया में मैं ये दिखाता रहूं कि मेरा वर्चस्व है, मेरा जो जो विस्तारवादी नीति है उससे वो पीछे नहीं हट रहा है। रशिया का क्या है कि किस तरह से USA को काउंटर करना है। तो ऐसे में भारत के सामने आप देखिए ये सारे मुल्क जो हैं, और उनको सबको साथ लेकर एक मीटिंग को होस्ट करना और दुनिया के तमाम ममालिक का आना, अपने आप में ये सबसे पहला मैसेज जाता है। और भारत क्या क्या बात है, भारत का क्या एजेंडा है, भारत का क्या मैसेज है कि भारत क्लाइमेट चेंज पे बात करेगा, भारत फूड सिक्योरिटी पे बात कर रहा है, भारत टेररिज्म एंड सिक्योरिटी पे बात कर रहा है, भारत एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी पे बात कर रहा है। क्या आपने सोचा बिल्कुल है कभी भी G20 की ऐसी थीम निकल कर आई है वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने वो थीम रखी है, वन अर्थ वन प्लैनेट की बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली वन फैमिली वन फ्यूचर। तो थीम में ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी पॉपुलेशन को, हमारी इतनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, हमारा बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क है और बहुत डाइवर्स कंट्री है, और ऐसे में G20 मीटिंग को अपने मुल्क के अंदर होस्ट कराना, उसके सारे इंतजाम करना, सारी तैयारियां करना, मैनेजमेंट, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहा है। और अब आप दुआ करें, आई विश के बिल्कुल सब कुछ खैर से हो जो दिल्ली में फाइनल मीटिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा VIP मूवमेंट है वहां पर, बहुत सारे डेलीगेट्स आ रहे हैं और दुनिया की टॉप कंट्रीज वहां पर हैं, और उनके साथ में जो ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं वो भी आ रही हैं वहां पर। तो इससे बहुत आगे आने वाले वक्त में हम इसका आमीन बहुत आमीन, इम्पैक्ट सब कुछ देखेंगे। अच्छे से होना चाहिए याद में। बिल्कुल सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। हेलो सुन पा रहे हो मुझे फाइक? यास्मीन, आपसे और एक सवाल पूछना चाहूंगी यहाँ पे, चूंकि आप भी जानते हैं कि जब भी G20 समिट स्टार्ट होगा तो उससे 3 दिन पहले का जो है लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्या लगता है आपको इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, लॉकडाउन क्यों 3 दिन पहले पहले ही किया जाएगा दिल्ली में? फाइका एक्चुअली क्या होगा कि जब समिट स्टार्ट होगा उससे पहले नहीं लगाया जाएगा, इस समिट के दौरान एक तरह से ये है, ये एक रिक्वेस्ट की गई है और ये रहेगा और वो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिल्ली में VIP मूवमेंट होगा, फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, और ऐसे में सिक्योरिटी का जो है बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और चूंकि आप इस वक्त देख ही रहे हैं हमारे भारत को लेकर किस तरह के प्रोपोगंडा एजेंडा ईजाद हो गए हैं, और उसमें सबसे बड़ा ये है कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए हर भरसक कोशिश कर रही है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो लॉकडाउन पहले नहीं लग रहा है, वो इस समिट के दौरान ही लग रहा है, और उसमें ये है कि आपके जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी स्कूल्स हैं, या जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सबको ये आह्वान किया गया है कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में तो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है ना, तो इसलिए वो मूवमेंट जो है लोगों का कम किया गया है, और वो बात आ रही है निकल कर कि एक तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको सबसे मेन है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि उनकी सिक्योरिटी में किसी तरह का कोई कमी ना रह जाए, वो हमारे लिए एक चैलेंज भी है और वो हमारी जिम्मेदारी भी है। तो G20 समिट को लेकर उसके लिए दिल्ली में काफी सारे इंतजाम हो गए हैं,
बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं और उस पर ही वर्क हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये होगा, अपने देश में अगर कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, और दिल्ली तो हमेशा हमेशा चलते रहने के लिए जानी जाती है, वहां पर हमेशा चलता है, कभी कुछ रुकता नहीं है, लोग चलते रहते हैं वहां पर। लॉकडाउन के समय में भी एक चैलेंज था दिल्ली में लॉकडाउन लगाना, फिर पूरी दुनिया से देखें आप, सबकी नजर है G20 पर, और जब दिल्ली की बात करते हैं तो वहां पर पूरे देश से लोग रहते हैं, हर स्टेट का बंदा आपको दिल्ली में मिलेगा। तो ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, बहुत कुछ वहां पर है। तो ऐसे में 3 दिन रोकना, तो यहाँ पर भी भारत सरकार को यहाँ पर मैनेजमेंट देखना है, और इसी की वजह से एक रिक्वेस्ट भी है और एक ऑर्डर भी है कि जो लोग हैं वो अपने आप में भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं और हमारे यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, तो हमें ख्याल रखना है कि हमारे भारत की एक अच्छी छवि जाए। और जिस मकसद के साथ ये पूरा G20 का अब तक का सफर रहा है, जितनी सारी मीटिंग्स रही हैं, तो उसकी फाइनल मीटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, उसमें जो भी एग्जैक्टली कंसेंसस बात है आपने वो बनना बिल्कुल चाहिए, सही जो भी कही यहाँ डेफिनेशन है पे। वो आएगा। बिल्कुल यास्मीन, बात आपने यहाँ पे बिल्कुल सही की कि सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि हर बार भारत के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। कश्मीर का जो G20 का समिट था वो भी भरपूर तरीके से बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहा। और बात करेंगे दुश्मनों की, तो दुश्मनों पे भी एक बहुत बड़ा तमाचा था। खैर, चाइना भी पार्टिसिपेट करने वाला है, रशिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है, और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि चाइना का स्टैंडर्ड मैप आपने सुना ही होगा कि जिसमें वो अरुणाचल प्रदेश को टारगेट कर रहे थे कि वो हमारी टेरिटरी है, जिसमें उन्होंने स्टैंडर्ड मैप में ये बोला था कि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का पार्ट है, चाइना की टेरिटरी है। और दूसरी तरफ से यूक्रेन को जो है G20 समिट में इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे जो है टॉप 20 कंट्रीज जो है वो कंट्रीज जो इकोनॉमिकली जो है फाइनेंशियली स्टेबल है, इकोनॉमिकली स्टेबल है। तो यहाँ पे जो है हमारे डॉक्टर जयशंकर जी ने ये कहा है कि जो भी इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज है उनको बुलाना चाहिए, हमें किसी वॉर रिलेटेड चीज से बात नहीं करनी है, हमें बस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वर्ल्ड को कैसे इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया जाए, क्लाइमेट चेंजेस एक्स्ट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उन पे बात करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली यूक्रेन और चाइना का मसला उठेगा इस वाले G20 समिट में? देखिए, अभी तक भरसक कोशिश की गई है और वो भी चीज देखी देखी जाएगी। यूक्रेन को बिल्कुल चाह रहा है यूएसए कि वो मुद्दा बना रहे और उस पर बात हो, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो उसकी एक और भी वजह है, क्योंकि वो अपने उन्होंने जो रीजन दिया है उसके हट के भी है, तो वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है, वैसे ये मेरा अंदाजा है कि शायद चाइना के प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, वो भी इसमें शामिल ना हो। आगे आने वाले वक्त में वो देखेगा एग्जैक्टली होने वाला क्या है, क्योंकि इस तरह की जियो पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। तो भारत को यहाँ पर बहुत ही कैलकुलेटिव डिप्लोमेसी यहाँ पर है, और जहां तक आपने कहा कि कोई भी वॉर, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई इस तरह का इसमें बात नहीं हो, लेकिन भारत किसी भी गुट का कोई हिस्सा नहीं है। भारत जब बात कर रहा है तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ बात कर रहा है, तो G20 को किसी दो मुल्कों की लड़ाई का एक एजेंडा नहीं बनाना है। और ये भारत की सारी मीटिंग्स, आपने जितनी भी मीटिंग्स फॉलो करी की होंगी, तो चाहे वो टूरिज्म ग्रुप की, आपके कश्मीर की ही मैं बात ले लूँ, क्योंकि कश्मीर को लेकर बड़ा एक प्रोपोगंडा चला था, तो जो भारत का मेन मकसद था टूरिज्म के हवाले से, जो मीटिंग करनी थी, जो टूरिज्म के हवाले से वहां पर प्रमोशन करनी थी, जो लोगों लोगों से इंटरेक्शन करना था, जो वहां पर सारी तैयारियां थी, जो आम वहां की जो चीजें थी, वहां की खूबसूरती थी, और जो वहां के डिजाइन थे चीजों को लेकर, जो लोकल चीजें थी, वो सब जो दिखाना था वो सब हुआ। तो बेसिकली जो मीटिंग से रिलेटेड जो एजेंडा और जो डिक्लेरेशन तैयार किए जाते हैं उन्हीं पर बात हो, भारत का हमेशा से ये रहा है। कोई ये नहीं है कि यहाँ कोई किसी तरह का वॉर, कोई कॉन्फ्लिक्ट, हमारा जो पूरा मीटिंग का पर्पस है वो उसमें उलझ के रह जाए। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये लीडरशिप मिली है, ये प्रेसिडेंसी मिली है, तो इसमें हमें खुद को एज अ लीडर डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर क्या करना है, ये मैं शायद शब्द ये कहूँ कि हमें रिक्लेम करना है, और वो चीज सारी दुनिया देख रही है, क्योंकि अभी बिल्कुल जो जोहान्सबर्ग समिट हुआ था उसमें भी आप देखें भारत ने जो सारे पॉइंट्स रखे, तो उसमें वहां पर भी यही सारी बात थी। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हम सारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो मिलकर किस तरह से दुनिया का भला कर सकती हैं, और वहां पर सारी दुनिया का डेवलपमेंट हो उस पर बात कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को मीटिंग में जगह देकर या उसमें उलझाकर, जो मीटिंग का मेन एजेंडा है, जो उसका पर्पस है, वो किसी तरह से दाएं बाएं ना हो, तो भारत की बिल्कुल वो कोशिश रहेगी। और बाकी आप इस मीटिंग में देखेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है जियो पॉलिटिक्स आप जितना फॉलो कर रही होगी ना, वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। एनालिसिस तो चल रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स और फैक्ट के हवाले से चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, चाइना ने G20 समिट से एन पहले एक गलत मैप डिक्लेयर कर दी, क्लेम कर दिया कि ये टेरिटरी उनकी है। इस तरह का एक गलत गलत मैप उन्होंने रिलीज किया, जो कि आपको ऐसा ताइवान, समझना चाहिए सियाचिन कि और अरुणाचल प्रदेश, एग्जैक्टली
आप एक कंट्री में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा इवेंट है वहां पर, और उस मीटिंग में जा रहे हैं, और उस मीटिंग का आप हिस्सा हैं, उसका एक पार्ट है, और उसी देश के साथ आप एक उस देश की टेरिटरी को, जो कि हमारे भारत का अभिन्न अंग है, आप उन क्षेत्रों को अपने मैप में दिखा रहे हो। तो आप समझ रहे होगी कि किस तरह का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है, किस तरह से अपनी उनके यहाँ जो पब्लिसिटी वीक है वर्ल्ड मैप को लेकर, तो उसको भी एक दिखाने की कि हमारी पब्लिक के ऊपर भी एक अच्छा मैसेज जाए कि हम लोग जो है वो हमारी ये टेरिटरी हम क्लेम कर रहे हैं दुनिया में। तो उन्होंने अपनी जनता के साथ भी और साथ ही साथ भारत के ऊपर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई ये चीज कबूल नहीं होगी, ये चीज एक्सेप्ट नहीं होगी, ये जो बार बार इस तरह बिल्कुल से हरकतें करता है चाइना, तो ये चीज बिल्कुल क्लेम बिल्कुल नहीं हो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो ये चाइना की, और इस तरह की हम देखेंगे यहाँ पर चीजें चलेंगी, और आप फॉलो करें, अभी देखते हैं क्या किस तरह का डिक्लेरेशन निकल कर आता है, किस तरह के कंसेप्शन बनते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली हरकत एग्जैक्टली की है उसमें ये ऐसे बिल्कुल, बताने जो की हमारी कोशिश की है गवर्नमेंट कि करती है चाइना वो हम सही करती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो जो अपने हमारी गवर्नमेंट अपने करती हिस्से है में वो रहेंगे। सही करती है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो सही करते हैं, और जो हमारे जितने भी फैसले लिए जाते हैं हमारे पॉलिटिशियंस की तरफ से, हमें उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के भी फैसले लिए गए और जिस तरीके का आज हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, हमें शक नहीं होना चाहिए, बस हमें भरोसा होना चाहिए, और हमें बस अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। हर एक इंडियन को, हर एक भारतवासी को अपने फील्ड में तरक्की करनी चाहिए, और भारत का नाम और ज्यादा रोशन करना चाहिए दुनिया में। फिलहाल आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने अपना टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, और आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बोली जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। ऐसे ही मिलते रहेंगे और डिबेट से और इंटरव्यू से और लोगों से, आपको इंटरेक्ट कराते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। भारत के लिए काम करना है, एकजुट होकर काम करना है, और उसमें जो है आप लोगों का सपोर्ट लाजमी चाहिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू।